उत्तराखंड उधम सिंह नगर में एक तरफ गर्मी की मार तो दूसरी ओर बिजली का संकट लोगों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। शहर से लेकर गांव तक लोग उमस भरी इस गर्मी से परेशान हैं। तापमान लगातार बढ़ोतरी की ओर है तो वहीं दूसरी ओर गर्मी के बीच बिजली के संसाधन भी हाँफने लगे हैं। कहीं बिजली वोल्टेज कम है तो कहीं बिजली ही गुल है। उमस भरी इस गर्मी और बिजली के संकट से लोगों को ना तो दिन में चैन मिल पा रहा है और ना ही रात को सुकून से नींद पूरी हो पा रही है। लोग मजबूर हैं कभी छत पर सोने के लिए तो कभी घर से बाहर निकल कर टहलने के लिए। इतना ही नहीं, गदरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में तो बिजली बार बार ट्रिप कर रही है। साथ ही शहरी क्षेत्र में लोग वोल्टेज के चलते लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इस भीषण गर्मी से लोगों को बीमारियां भी जकड़ने लगी हैं। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र का तापमान बढ़ोतरी की ओर है, वैसे ही बिजली संकट भी पैदा होने लगा है। लोगों द्वारा गर्मी से राहत के लिए भारी उपकरण एसी कूलर जैसे चलाए जा रहे हैं, जिसको लेकर कहीं वोल्टेज की समस्या है तो कहीं बिजली की लाइनों में ही दिक्कत आ रही है। काशीपुर के अंदर इस समय लाइट को लेकर काफ़ी समस्याएं आ रही हैं सामने। लाइट दिन प्रतिदिन बहुत तेज़ी से भाग रही है। लाइट कम आ रही है काशीपुर में, आ रही है तो वोल्टेज कम आ रहे हैं। गर्मी के कारण व्यापार भी काफ़ी ठप पड़ा हुआ है, इससे काफ़ी आहत हो रही है पब्लिक। और हमारी जो उत्तराखंड सरकार से गुजारिश है कि लाइट में इतनी कटौती ना करें और लाइट भरपूर दें। बिजली की कोई कटौती नहीं हो रही है और उपभोक्ताओं को हम सुचारू रूप से बिजली दे रहे हैं। अगर कहीं किसी उपभोक्ता की कंप्लेन है या कहीं कोई फ्यूज ट्रांसफॉर्मर का जल गया तो उसके लिए थोड़ा समय लगता है उस कंप्लेन को अटेंड करने के लिए, बाकी हमारी विद्युत व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चल रही है। ग्रामीण इलाकों में कहीं भी कोई बिजली कटौती नहीं है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।